यीशु मसीह की जय। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आप भी मेरे साथ मिलके गाएं मुक्ति दिलाए, एक दो तीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु कि यीशु मसीह चरनी में जन्मा, यानी बिल्कुल ही गरीब हालात में, ऐसे हालात में गरीबों से भी ज्यादा गरीब, जिसको पैदा होने के लिए कोई जगह भी नहीं मिली, और उसने जो अपना आखिरी जो सांस भी ली वो एक ऐसी जगह पर जहां पर दुख ही दुख थे, चरनी से लेके क्रूस तक उसने सिर्फ दुख उठाए, और वो सारे दुख उसने हमारे लिए उठाए ताकि हमें आराम मिले। चरनी में उसने जन्म लिया प्रभु, चरनी में उसने जन्म लिया प्रभु, चरनी में उसने जन्म लिया प्रभु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, शांति दिलाए। यीशु को शांति का राजकुमार कहा जाता है, कि सलामती का शहजादा, इत्मीनान का वो प्रिंस है, प्रिंस ऑफ पीस उसको कहा जाता है, और वो हमें शांति देता है। और यीशु मसीह ने ये कहा कि ऐसी शांति मैं तुम्हें दूंगा जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। दुनिया ने कभी किसी को शांति नहीं दी, दुनिया सिर्फ लोगों को मज़े दे सकती है, शरीर का कुछ प्लेजर दे सकती है, लेकिन शांति, वो शांति जो हर समझ से परे है, वो आनंद जो हर समझ से परे है, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी, हम अपनी अकल और दिमाग से उसको नहीं समझ सकते, ऐसी शांति प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। बोले आमेन, फिर से बोले आमेन। एक बार फिर से जरा मेरे साथ ये लाइन गाइए कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बाइबल में हर चीज एक प्रोग्रेशन में है, मुक्ति मिलती है तो शांति मिलती है, एक चीज आती है तो दूसरी चीज आती है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर हमको मुक्ति नहीं मिलेगी तो शांति कभी नहीं मिलेगी। ऐसी बाइबल में एक कहानी अगर हम देखते हैं,
दूसरे राजाओं की किताब में सेकंड किंग्स में वो एक खूबसूरत एक कहानी है, एक शुनेम वासी धनी स्त्री की और एलिशा नबी की। एलिशा नबी जो था वो बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं उस हवाले को पढ़ते हैं सेकंड किंग्स चैप्टर 4:8 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, 8-10 तक हम पढ़ेंगे कि एक दिन की बात है कि एलिशा शुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया कि मेरे घर आओ रोटी खाओ। अतः जब वो उधर से जाता तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है ये मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन या भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए खाट, एक मेज़, एक कुर्सी और एक दीवट रखें ताकि वो जब यहाँ हमारे यहाँ आए तो उसमें टिका करे। कितनी बड़ी बात है कि एक स्त्री ने, एक आत्मिक स्त्री ने ये निर्णय लिया। ये बड़ी बात है क्योंकि एक कल्चर जो है हमारे दुनिया का भी एक कल्चर है कि स्त्रियों को कभी इतनी ज़्यादा खुली छूट नहीं होती कि वो इस तरह से किसी पुरुष को अपने घर में इन्वाइट करें। लेकिन ये एक धर्मी स्त्री थी और एलिशा एक धर्मी व्यक्ति था, एक धर्मी पुरुष था। और डेफिनेटली हम यहाँ देख रहे हैं कि एलिशा का जो ये जो स्त्री थी, जो शुनेमवासी जो स्त्री थी, इसका जो पति था ये भी एक अच्छे घर का, एक अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति था। तभी तो उसने अपनी पत्नी की इस बात को उसने स्वीकार किया कि एक पुरुष को अपने घर में कोठरी बनाकर रखा जाए। और हम ये देख रहे हैं कि एक जब धर्मी घर होता है, एक धर्मी परिवार होता है या एक धर्मी जहाँ पर वातावरण होता है वहाँ पर हर चीज़ पवित्र और शुद्ध होती है और परमेश्वर का वहाँ पर वास होता है। तो इस स्त्री ने विनती करके अपने पति अपने इस एलिशा नबी से कहा कि तुम मेरे घर आया करो और अपने पति से कहा कि हम इसको चार चीज़ें जो हैं अपने घर में मुहैया कराएंगे। सबसे पहली चीज़ तो उसने उसको घर दिया, यानी उसको एक कोठरी में रहने की जगह दी, एक खूबसूरत उसके लिए जगह शायद तैयार की होगी कि एक परमेश्वर के जन के लिए उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ, बड़े प्रेम के साथ एक जगह तैयार की। यहाँ पर देखते हैं संस्कार, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छे धर्मी घर के अंदर परमेश्वर के लोगों का स्वागत किया जाता है। यहाँ तक कि एक अपने घर के अंदर उनको कुछ बदलाव भी करना पड़े तो वहाँ पर वो बदलाव कर देते हैं, अपने घर के अंदर कुछ चेंज भी करना पड़े तो वो चेंज करते हैं। और एक धर्मी जन को अपने घर में रखने के लिए कितने उत्सुक होते हैं लोग। दुनिया के लोग बड़े शायद किसी फिल्म स्टार्स को अपने घर में चाहेंगे कि वो आएँ, कुछ लोग चाहेंगे कि बहुत बड़ा कोई सिंगर हमारे घर में आए या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हमारे घर में आए। लेकिन एलिशा कोई सेलिब्रिटी तो नहीं था, एलिशा तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, लेकिन वो धर्मी व्यक्ति था, वह परमेश्वर का जन था। और इन्होंने कहा कि हमें ये कोई भक्त जान पड़ता है, यानी उनको कोई अच्छा उसके अंदर लक्षण दिखाई दे होंगे, यीशु मसीह का रूप या खुदावंद की जो बरकत उसके अंदर से नज़र आती होगी और उसके हाव भाव से पवित्रता छलकती होगी। तभी तो स्त्री ने भी इतना अपने पति को मना सके कि वो कैसे कि मेरे घर में, हमारे घर में हम इस व्यक्ति को रख लेते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। तो उन्होंने उस व्यक्ति को अपने घर में रखा और उसके लिए चार चीज़ें जो वहाँ पर उन्होंने मुहैया कराई और उनको उपलब्ध कराई, वो चारों चीज़ों में से पहली चीज़ थी बेड, तो ध्यान से देखिए बिस्तर, और दूसरी चीज़ थी एक मेज़, तीसरी चीज़ थी एक चौकी यानी स्टूल, और चौथी चीज़ थी एक दीवट। दीवट ऐसा जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का दीवट, ये जिसके अंदर ये कैंडल स्टैंड जिसको हम बोल सकते हैं, तो इस तरीके से एक कैंडल स्टैंड था। तो उन्होंने वो भी एक वहाँ पर रखा। और आप सब जानते हैं कि बिस्तर कैसा होता है, फिर आप जानते हैं कि मेज़ कैसा होता है, चौकी जैसे जिस पे हम लोग बैठते हैं चौकी। तो ये चारों चीज़ों का एक अर्थ है, एक प्रोफेटिक मीनिंग है, इसके पीछे एक मकसद है। और खुदावन हर चीज़ के द्वारा हमसे बात करता है। और स्त्री ने भी, क्योंकि धर्मी स्त्री थी, इसको पता था कि ये चारों चीज़ें इस व्यक्ति को चाहिए होंगी। और इन चारों चीज़ों का मैं मतलब आपको समझाना चाहता हूँ, आप बड़े गौर से इसको सुनें और अपने जीवन में इस बात को ग्रहण करें कि ये चारों चीज़ें हमसे क्या बात करती हैं, ये चारों चीज़ें हमसे क्या हमें संदेश देना चाहती हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो चीज़ों के द्वारा भी, हर बात के द्वारा हमें एक संदेश देता है। पहली चीज़, उसने उस व्यक्ति के लिए, उसने एलिशा नबी के लिए वहाँ पर एक बेड लगाया यानी बिस्तर लगाया। और ये जो बेड है ये प्रतीक है आराम का, रेस्ट का, क्योंकि वह खुदा का जन था, उसकी ज़िंदगी में आराम था, आराम होना चाहिए। और प्रोफेटिकली, या अगर हम कहें कि सांकेतिक रूप से, जो परमेश्वर का जन है, जो प्रभु को जानता है और जो प्रभु के निकट है, उसकी ज़िंदगी में हमेशा आराम होगा। यीशु ने कहा
कि मेरा जुआ हल्का है इसे उठा लो और अपना जुआ जो भारी जुआ है वो मुझे दे दो। जैसे गाय के सर, गाय जो बैल जो जो होती है जो खेत के अंदर बैल जो जोतता है खेत को, तो उसके सर के ऊपर जो एक जो जुआ होता है वो बड़ा हैवी होता है और वो उसके वो उसको जब वो खींचता है वो थक जाता है। खुदा कहता है ऐसे दुनिया का जो जुआ है वो बहुत हैवी है, तुम उसको उठा उठा के थक जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूँ। जितने बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और खुदावंद ने वो बिस्तर वो बेड हमें प्रतीक के रूप में एक संकेतिक रूप में वो बेड दिया कि वो बेड जो है वो शांति का बेड है। दुनिया में चाहे कितने भी तूफान हो आसपास या जितनी भी मुसीबतें हो, यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया में मुसीबतें नहीं होंगी, उन्होंने कहा कि मुसीबत होंगी लेकिन उन मुसीबतों के दरमियान उनके बीच में मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। यीशु ने कहा कि इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल, लेकिन उसने कहा अगर तुम बोझ से दबे हो परिश्रम करते हो तो मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम देखते हैं कि जो पहला प्रतीक है वो बेड एक विश्राम का प्रतीक है और उस स्त्री ने उस खुदा के बंदे के लिए, उस मर्द खुदा के लिए, उस मैन ऑफ गॉड के लिए एक बेड जो था वो अरेंज किया। सेकंड चीज़ जो उसने उसके लिए दी वो था एक मेज़। जी हाँ, बोलिए मेज़। पहले बोलिए बेड, फिर आया मेज़। और मेज़ का अर्थ है फेलोशिप। जब हम मेज़ पर बैठते हैं तो हम किसी के साथ जब टेबल पर बात करते हैं ना, कहते हैं ना आओ ज़रा टेबल पर बातचीत करते हैं, ज़रा मेज़ पर आओ बातचीत करते हैं, या फिर हम मेज़ पर उनके साथ बैठते हैं जिनके साथ हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, एक मेज़ पर खाना खाते हैं। ऐसे हमारे लिए भी प्रभु ने एक मेज़ लगाया है। बाइबल में लिखा है कि वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरा मेज़ लगाता है, और ये जो कम्युनियन का टेबल है वो हमारा यीशु मसीह के साथ लगा है। दुश्मन देखते हैं कि हम किसके साथ बैठे हैं, दुश्मन देखते हैं कि हमारी जो फेलोशिप कम्युनियन किसके साथ है। हमारी फेलोशिप कम्युनियन, हमारी जो हमारा भोज है प्रभु, जो हमारी जो सहभागिता है वो यीशु मसीह के साथ है, वो मेज़ पे हमारे साथ बैठता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठ के रोटी तोड़ी, मेज़ पर बैठ के रोटी तोड़ी, इसी तरह से वो हमारे साथ उस मेज़ पे बैठा है। और ये जो मेज़ है ये कम्युनियन का मेज़ है, ये एक रिश्ते का मेज़ है। जो मसीह को जानते हैं उनका एक रिश्ता प्रभु के साथ बनता है, जो खुदावंद के साथ जानते हैं वो उसके साथ बातचीत करते हैं। ये प्रार्थना का मेज़ है, ये हमारी ज़िंदगी की रोटी का मेज़ है, ये वो मेज़ है जिसके ऊपर दुनिया की हर भली और अच्छी चीज़ प्रभु हमारे लिए उपलब्ध कराता है। पहली बात आराम, दूसरी बात मेज़। हमें एक मेज़ दिया गया है और उस मेज़ पे हम प्रभु के साथ बैठते हैं। तीसरी बात मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो ये है कि हमारे सामने एक चौकी रखी गई। उस स्त्री ने उसको एक चौकी दी, और चौकी जो है वो मेज़ के बाद आती है। मेज़ के साथ एक चौकी होती है, और जब हम प्रभु के साथ एक कम्युनियन रखते हैं, जब उसके साथ रिश्ता रखते हैं, तो फिर हम उससे सीखते हैं। चौकी जो है प्रतीक है सीखने का। एक स्टूडेंट हमेशा स्टूल पे बैठता है और अपने गुरु से सीखता है, अपने उस्ताद से वो सीखता है। इसी तरह से जब हम चौकी पे बैठते हैं, जब हम स्टूल पे बैठते हैं, तो थोड़ा सा नीचे होके अपने उस्ताद के सामने, हम अपने प्रभु के सामने बैठ के सीखते हैं। हमें आराम मिला, फिर उस आराम के बाद हमको प्रभु के साथ एक दोस्ती का रिश्ता मिला, एक पिता और पुत्र का रिश्ता मिला। फिर उसके बाद अगर हम सीखेंगे नहीं तो उस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं। यानी हम अब सीखें, और जब हम प्रभु के साथ बैठ के सीखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बदलाव आना शुरू होता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे बातचीत में, हमारे सोचने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे खाने पीने में, हमारी हर चीज़ में बदलाव आने लगता है। और जब बदलाव आता है तो फिर चौथी चीज़ यानी लैंप स्टैंड, यानी एक गवाही आती है। और हमारी ज़िंदगी में जैसे मैंने आपको लैंप स्टैंड दिखाया था, मैं इसको यहीं रख लेता हूँ, तो ऐसे हमारी ज़िंदगी में जो हैं वो गवाहियाँ आती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गवाहियाँ ही गवाहियाँ। आप इस लैंप स्टैंड को ज़रा गौर से देखिए, इसको मेनोरा भी कहते हैं। तो ये जो गवाहियाँ हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जाती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम भी क्या कहता है, हमको एक गीत हमने सीखा है कि तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको, तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तो ये चराग हैं, ये हमारी गवाहियाँ हैं, ये हमारी टेस्टमनीज हैं। अगर एक मसीही जीवन में अच्छी गवाहियाँ नहीं तो वो मसीही जीवन नहीं है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि हम बुरे थे हम भले हो गए, अगर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर ये कमियाँ थी खुदा ने इनको दूर किया, अगर हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ने मेरे जीवन को, मेरी सोच को, मेरी बीमारियों को, मेरे जीवन की हर जगह हर क्षेत्र में प्रभु ने काम किया, तब हम वाकई में कह सकते हैं कि खुदा ने हमको बरकत दी है, और तब हम कह सकते हैं कि हम चमक रहे हैं प्रभु के लिए। अगर हम चमकेंगे नहीं, अगर हमारे अंदर कुछ गवाही नहीं होगी, अगर हमारे किसी तरह की हम टेस्टमनी दूसरों के लिए एक हौसला अफजाई, दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन, या हम
दूसरों के लिए एनकरेजमेंट नहीं बन रहे हैं, या हमारी ज़िंदगी से लोग कहते हैं ये क्या लाइफ है, ये कोई ज़िंदगी है, क्रिश्चियन ऐसे होते हैं या बिलीवर ऐसे होते हैं या प्रभु के लोग ऐसे होते हैं। मैं किसी धर्म के साथ जोड़ के नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप समझें कि अगर आप प्रभु के जन हैं तो आपके जीवन में ऐसी बातें होनी चाहिए जो लोगों को परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। और इस तरह की गवाही हमारी ज़िंदगी में प्रभु देता है। कब? जब हमारे पहले हमारे जीवन में उसका आराम आता है। आराम कब आता है? हम यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता, उसको जब हम स्वीकार करते हैं तो फिर हमारी उसके साथ मित्रता हो जाती है। फिर उसके साथ हम उस मेज़ पे बैठते हैं, और जब उस मेज़ पे बैठते हैं तो फिर उसके बाद हम सीखते हैं, हम स्टूल पे आ जाते हैं। अब कहते हैं खुदा तू मुझे सिखा और तू मुझे अक्ल दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूँ, तेरे वचन को समझ सकूँ, तेरे कलाम से मैं सीख सकूँ, डिसाइपल बनूँ। तो फिर हम प्रभु के डिसाइपल्स बनते हैं, उसके चेले बनते हैं। और जब हम चेले बनते हैं फिर हम उसके कलाम पे चलते हैं। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसे छुपा के रखा है। और फिर जब हम उसके कलाम पे चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदलने लगती है। जैसे हम कोई दवाई खाते हैं तो हमारी तबीयत ठीक होने लगती है, हमारा जो है हम तंदुरुस्त होने लगते हैं। ऐसे जब कलाम खाते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर भलाई आने लगती है, हमारी ज़िंदगी चंगी होने लगती है। हमारी आत्मिक बुराइयाँ जाती हैं, हमारी मानसिक बुराइयाँ जाती हैं, हमारी जिस्मानी बुराइयाँ जाती हैं, और हम चंगे हो जाते हैं, और फिर हम चमकते हैं प्रभु के लिए। क्या आप चमक रहे हैं प्रभु के लिए? क्या आप चमकना चाहते हैं खुदावंद के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी लोगों के लिए उदाहरण बने? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी से लोगों को छूने पाए? या आप अपनी ज़िंदगी को क्या खुद भी बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो आज समय है, आज प्रभु आपको बुला रहा है। आज प्रभु आपसे कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं ये चारों चीज़ें तेरी ज़िंदगी में पूरी करना चाहता हूँ। मैं तुझे आराम देना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ मित्रता चाहता हूँ, मैं तेरा उस्ताद बनकर तुझे सिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तू चमके मेरे लिए। अगर आज आप चमकना चाहते हैं तो उसका सरल सा उपाय है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आज बुलाएं और बोलें प्रभु मैं किसी धर्म को नहीं बल्कि परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को अपने दिल में बुलाना चाहता हूँ, बुलाना चाहती हूँ। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है, तो आए एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे साथ करें। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में आज क्या समस्या है, मुझे नहीं पता कि आज आपकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ है, लेकिन ये बात ज़रूरी है और अवश्य है कि अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो प्रभु की एक योजना है आपके जीवन में। आप अगर किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, और किसी भी कश्मकश में अगर आप हैं तो प्रभु आज आपको शांति देना चाहता है, प्रभु आज आपको छू लेना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम कर देना चाहता है। आपको तैयार होना है, सिर्फ आज आपको अवेलेबल होना है और आपको कहना है कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मेरी ज़िंदगी में आप काम करें और मुझे छू लें। तो आए हम दुआ करना शुरू करें। तो आप क्या करें, सिर्फ अपनी आँखें बंद करें और मेरे साथ इस प्रार्थना को अपने मन में शांति के साथ बिल्कुल सोच के विचार करके इस प्रार्थना को करें। आप देखें आपके जीवन में आज बड़ा काम प्रभु करेंगे और बड़ी सुंदर गवाही आपकी ज़िंदगी से आज पैदा होगी। तो मेरे साथ दुआ करें। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, इस बेटी और बेटे के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और हे प्रभु आज ये आपके द्वारा निमंत्रण पा के प्यारे परमेश्वर आपके इन्विटेशन से इस कार्यक्रम के सामने टीवी के सामने बैठे हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हे परमेश्वर मैं प्रभु आपके मीठे और मुबारक नाम से धन्यवाद करता हूँ उस यीशु मसीह का जिसने आज ये हमें मौका दिया कि हम इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर सकें। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका विनाश ना हो परंतु अनंतकाल का जीवन पाए। हे परमेश्वर आप इस बेटी इस बेटे को इस भाई को इस बहन को अनंतकाल का जीवन देना चाहते हैं, आप इनकी ज़िंदगी में आराम देना चाहते हैं। हे प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बेटी के जीवन को छू लें, आप इस भाई के जीवन को छू लें, और जैसे ये मेरे साथ प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना में आप हमारे साथ हो लें। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आओ। हे प्रभु यीशु मसीह आज मेरे जीवन में आप नया काम करें। प्रभु यीशु मसीह आज आप मुझे छू लें और ये चारों बातें जो आज आपने इस टीवी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे बात की है, हे परमेश्वर ये चारों बातें हमारे जीवन में मेरे जीवन में पूरी हों। हे परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके आराम में आपकी शांति में प्रवेश करूँ। हे परमेश्वर मुझे अपनी शांति दे। हे परमेश्वर मुझे उस मेज़ पे बिठा जिस मेज़ पे तू बैठता है और जिस मेज़ पे मैं बैठ के ये कह सकूँ कि मैं विजयी हो गया हूँ और मेरी मित्रता मेरा रिश्ता दुनिया के किसी बड़े व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि उस परमेश्वर के साथ है जिसने इस दुनिया को बनाया है। हे परमेश्वर तू मुझे सिखा ताकि तेरे वचन को मैं सीखूं और तेरे कलाम से मैं सीख के
बदल जाऊं। हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन में गवाही दे और मेरे जीवन के अंदर एक नई चीज पैदा कर, ताकि लोग देख के जान सकें कि मैं प्रभु को जानता हूं, और मेरी बुराइयां को और मेरे बुरे कामों को और मेरे उन सारे रोगों को, तकलीफों को, बंधनों को यीशु के नाम से, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो टूट जाएं, ताकि ये जिंदगी जो है प्रभु के लिए एक बहुत बड़ी गवाही बने। हे परमेश्वर, मैं आपके नाम से इस समय इन लोगों के लिए जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, यीशु के नाम से मैं इनके जीवन में आपकी आशीष और बरकत मांगता हूँ। आप इन्हें छू लें प्रभु, आप इनके जीवन में एक नया काम करें प्रभु, आप इनकी शरीरों से उस बीमारी को जो इस समय है और जो मुझे दिखाई दे रही है प्रभु, यीशु के नाम से उस डायबिटीज को, हे परमेश्वर, उस कैंसर को, हे परमेश्वर, उस आस्थमा को, उस सांस की बीमारी को, उन बदन के जोड़ों के उन सारी तकलीफों को, हे परमेश्वर, ट्यूमर को और स्पॉन्डिलाइटिस को, और हर तरह की वो बीमारी जो आज मेरे भाई बहनों के जिस्म के अंदर इस समय पर परमेश्वर अधिकार लेके बैठी है, मैं यीशु के नाम से उस अधिकार को तोड़ता हूँ, बीमारियों के अधिकार को इनके जिस्मों से निकालता हूँ, उन सारी प्यारे परमेश्वर, उन सारी बातों को जो इनकी ज़िंदगी के अंदर हक जमा के बैठी है, उन श्रापों को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। ऐ खुदावन, मैं आपकी शांति और आपका छुटकारा इनके जीवन पर मांगता हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपकी ताकत और आपका सामर्थ्य इनके जीवन पर मांगता हूँ, ताकि ये आपके आराम में प्रवेश कर जाएं, आज आपकी चंगाई में प्रवेश कर जाएं। हे परमेश्वर, आज आपके राज्य को छू लें, क्योंकि आपके राज्य को जो छूता है वो बीमारी से मुक्त हो जाता है, जो आपके राज्य को छूता है वो अंधकार से मुक्त हो जाता है। यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं रहेगा। जिंदा आसमानी पिता, मैं इस बेटी और इस बेटे को आपके नाम से डिक्लेयर करता हूँ कि यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप यीशु के नाम से चंगे हो गए हो, यीशु के नाम से आपको छुटकारा मिल गया है, और मैं कहता हूँ कि तुम आज़ाद हो, क्योंकि यीशु ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। प्यारे परमेश्वर, इन सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि ये प्रार्थना आपने सुन ली है, और आपने इसको आज यीशु के नाम से, परमपिता परमेश्वर, आपने आज रिलीज कर दिया है इसका उत्तर, और वो हमें मिल गया है, हाँ में और आमीन में, यीशु के नाम से, आमीन। आपको आज खुदावन ने छू लिया है, आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको नई जिंदगी दी है, आज प्रभु यीशु मसीह ने नया काम आपके जीवन में कर दिया है। घबराओ नहीं, डरो नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, यीशु मसीह में जो है वो आराम में है, यीशु मसीह में जो वो प्रभु के साथ रिश्ता रखता है, जो मसीह में है वो प्रभु से सीखता है, और उसकी ज़िंदगी खुदावन के लिए चमकती है। तो आप जिस नंबर्स पे आप ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमें फ़ोन करें, और हम आपके फ़ोन पे आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। हम आपको बताएंगे कि यीशु के जीवन में क्या क्या आनंद की और बातें आपके साथ हो सकती हैं। अगर आप हमारे सत्संग में कभी नहीं आए, तो मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप सत्संग में आएँ और उस वचन को सीखें, क्योंकि वो एक स्टूल है जिसके ऊपर आप बैठ के कलाम सीख सकते हैं। सत्संग भी एक स्टूल है, एक चौकी है, जहाँ पर आप बैठ के सीखेंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस एड्रेस पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर संडे को यहाँ पर सत्संग होता है। हमारे सत्संग पूना में भी हैं, पिंपरी में हैं, उल्हासनगर में हैं। अगर आप चाहें तो इन सत्संग के बारे में जो टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। देश के अलग अलग जगहों पर भी हम इन सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। अगर आप उनके बारे में जानकारी अधिक चाहते हैं, तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आप इस सत्संग के साथ जुड़ के इस कलीसिया के और इस घर के इस कोठरी के आप हिस्सेदार बन सकते हैं, जिस कोठरी को प्रभु ने तैयार किया है। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, किसी भी बात की फिक्र ना करें, प्रभु के अंदर मजबूत होते जाएं। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।